हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हम देखेंगे बूटस्ट्रैप में फॉर्म कैसे लेते हैं। बेसिकली फॉर्म हम बूट को बूटस्ट्रैप यूज करके अगर फॉर्म बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। बूटस्ट्रैप में फॉर्म बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, कुछ बने बनाए क्लास होते हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने फॉर्म को बनाने के लिए। तो पहले हमको ये जानना होगा जी HTML में फॉर्म टैग होता कौन कौन सा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, आते हैं, मैं अपना यहाँ पर आता हूँ ड्रीमओवर के अंदर और क्या करता हूँ, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ फॉर्म वन के नाम से। बेसिकली फॉर्म के नाम से मैं सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर दिया। अब इसमें क्या करना होगा जी, सबसे पहले बूटस्ट्रैप के लाइब्रेरी को हमको इस पेज से अटैच करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिज़ाइन व्यू में आता हूँ और यहाँ से स्टैक स्टाइलिस्टिक ब्राउज पर क्लिक करूँगा, CSS के अंदर आऊँगा, बूटस्ट्रैप मीन डॉट CSS को मैं यहाँ से ओके करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है जो हमको JS को कॉल करना है बॉडी के अंदर, तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट और यहाँ से मैं करूँगा सोर्स। सोर्स में बेसिकली हमको क्या करना होगा, जैसे हमको अपने फाइल को JS के फाइल को बंडल डॉट मीन डॉट JS को मुझे इसको मैं अटैच करूंगा और इसको मैं कर दूंगा बंद। यहां से प्रोजेक्ट में आता हूं, फॉर्म एक्स को मैं रन करता हूं, ये पेज मेरा इस तरह से रन होके आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है जब बूटस्ट्रैप में हमको क्या होता है कि पहले हमको क्या करना होता है, HTML में मैं आता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिब क्लास लगाता हूँ और इसमें मैं करता हूँ कंटेनर को कॉल। उसके बाद इसमें जो होता है, इसमें जैसे जो क्या कहते हैं कि अगर HTML में अगर इनपुट बॉक्स यूजर से लेना हो तो हम क्या लेते हैं, उसके लिए लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, यही ना होता है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँ तो बेसिकली हमको एक इनपुट टाइप का बॉक्स दिखेगा यहाँ पर रन होके आ गया। अब इसके लिए क्या होता है, इस इनपुट टाइप बॉक्स के लिए क्या होता है, बूटस्ट्रैप में बने बनाए क्लास होता है। जैसे जो अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्लास, एक क्लास होता है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, और मैं इस फॉर्म कंट्रोल को जैसे ही मैं लगाऊंगा ये क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा। ये मार्जिन मैं कर देता हूँ टॉप से 5 या 4 या 2 कर देता हूँ, ये बेसिकली क्या होगा, ये ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के आ जाएगा, ये पेडिंग डालता हूँ, पेडिंग 3 में कर देता हूँ, अब शायद सही हो जाए, ये अब सही हो गया। बेसिकली ऊपर से क्या हुआ है जी, ये छोड़ के उतना आ गया, तो ये क्या हुआ जी, इनपुट टाइप के एक बॉक्स मेरा आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के एज ए वाटर मार्क अगर मुझे इसमें टेक्स्ट दिखाना हो तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में जो भी मैं यहाँ टेक्स्ट डाल दूंगा वो टेक्स्ट हमको क्या होगा जी, यहाँ पर एज ए ये बेसिकली शो होगा, जैसे मैं टाइप करूंगा वो गायब हो जाएगा, यहाँ से बैक स्पेस करूंगा बेसिकली इस तरह से मेरा आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है जी, इस फॉर्म कंट्रोल के साथ कुछ और भी क्लासेस होते हैं, जैसे जी अगर मैं बात करूँ जी, इसको मैं सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ से इंटर दाबूँ और फॉर्म कंट्रोल बेसिकली फॉर्म कंट्रोल, अगर मैं फॉर्म कंट्रोल मैं यहाँ पर कर दूँ LG क्या होता है, लार्ज होगा, तो लार्ज बेसिकली क्या होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा लार्ज साइज में, कुछ इस साइज का बन के आ गया। इसी तरह से बेसिकली फॉर्म कंट्रोल LG, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल LG, उसी तरह से फॉर्म कंट्रोल SM भी होगा, ये देखो फुल स्क्रीन पर आएगा लार्ज। अब दोनों के बीच में मुझे स्पेसिंग देना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर BR डाल दूंगा, लाइन ब्रेक बेसिकली, दोनों के बीच में स्पेसिंग आ गया, तो ये बेसिकली लार्ज टेक्स्ट बॉक्स, ये मीडियम हो गया, और स्मॉल के लिए भी होता होगा इसके अंदर, ऑब्वियसली होता है। तो उसके लिए क्या होगा जी, इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा SM, जैसे मैं SM करूंगा ये स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर एक क्रिएट हो गया आ गया। अब इन दोनों के बीच स्पेसिंग बढ़ाना, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में BR टैग को मैं डालूंगा, तो ये क्या होगा जी, दोनों के बीच में स्पेसिंग आ जाएगा। तो ये फॉर्म टैग का बेसिकली मेरा क्या होता है जी, इस बूटस्ट्रैप 5 के अंदर
फॉर्म टैग होता है जो बेसिकली छोटे बड़े साइज के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर बटन्स अगर हमको डालना हो तो अगर हमने पढ़ रखा है बटन्स के लिए इसमें होता है इनपुट टाइप टाइप बटन और इसकी वैल्यू मैं दे दूँ शेप तो ये शेप का बटन बन के आ जाएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा हूँ इसके लिए क्लास जो होता है क्या होता है btn और स्लैश btn के बाद आपको जो कलर लगाना है प्रायोरिटी डेंजर सक्सेस जो भी लगाना है वो कलर लगा के आप जैसे ही इस ब्रैकेट को बंद करोगे इस तरह से इनपुट टाइप से आपके ये बटन्स बन के आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ br टैग दोनों के बीच में स्पेसिंग के लिए अभी फिलहाल। ये बेसिकली क्या हुआ जब मेरा बटन्स बन के आ गया। अब आते हैं बूट स्टेप 5 के अंदर और भी जो बेसिकली हमारे फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं जैसे ये अगर बात करें जे मेरे पास जो फॉर्म कंट्रोल होते हैं अगर हमको सेलेक्ट बॉक्स लेना है तो क्या होता है HTML के अंदर सेलेक्ट होता है और सेलेक्ट में हम क्या करते हैं सेलेक्ट में क्या करते हैं हम वैल्यू को सप्लाई करते हैं जैसे इस तरह सेलेक्ट हो गया उसके लिए हमारे पास बूट स्टेप में जो बना बनाया क्लास होता है फॉर्म सेलेक्ट होता है उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं ऑप्शंस में हमको वैल्यू सप्लाई करेंगे। ये सेलेक्ट बॉक्स इस तरह से मेरा बन के आ जाएगा इसमें से हम वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ ये बेसिकली क्या होता है सेलेक्ट बॉक्स होता है। इसके बाद इनपुट टाइप में एक और चीज़ होता है फाइल अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप ये होता है फाइल। अगर फाइल मैं कर दूँ और इसमें मैं क्लास लगा दूँ फॉर्म कंट्रोल फाइल से रिलेटेड है या नहीं है तो फॉर्म कंट्रोल ही लगा दूंगा नहीं है तो फॉर्म कंट्रोल ही लगा दूंगा मैं इसको मैं बंद करूंगा। अब ये क्या होगा जब मेरा सेलेक्ट बॉक्स इस तरह से क्या होगा फाइल अपलोड करने वाले ऑटोमेटिक ये मेरा आ जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ मैं एक br टैग यहाँ डाल देता हूँ तो ये बेसिकली क्या होता है फाइल को सेलेक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं इनपुट टाइप के अंदर हमारे जैसे जो अगर बात करें मैं यहाँ पर अगर मुझे कलर बॉक्स लेना है तो क्या करूँगा इसमें क्या होता है तो इसमें जो बने बनाए होते हैं टाइप कलर मैं लूँगा और इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं टाइप कलर लूँगा यहाँ br मैं क्या करता हूँ यहाँ से इंटर दाबता हूँ और यहाँ पर मैं ये क्या होगा जो हमको कलर पिकर बना के देगा बेसिकली। अब मैं यहाँ से जो भी कलर मैं चेंज करूँगा ये बेसिकली क्या करेगा हमको ये ओके करके इसमें दे देगा। अब इसके डिफ़ॉल्ट कलर को मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके बेसिकली क्या कर सकता हूँ चेंज भी कर सकता हूँ इसके डिफ़ॉल्ट कलर को हैश लगाऊंगा 000 और FF मैं कर देता हूँ बेसिकली इसका डिफ़ॉल्ट कलर क्या हुआ चेंज हो गया। अब इसको बेसिकली इसके हिसाब से मुझे जो कलर लेना हो बेसिकली हम कलर पिकर से यहाँ से पिक करेंगे इस तरह उसमें क्या आ गया ये कलर हमको उठा के दिखा दिया। इसके अलावा भी इनपुट टाइप में बहुत सारे चीज होते हैं इनपुट टाइप में हमको क्या करना है जो चेकबॉक्स लेना है तो चेकबॉक्स के लिए क्या ऑप्शन होता है यहाँ फॉर्म चेक होता है और यहाँ चेकबॉक्स इनपुट टाइप क्लास लगाएंगे और लेवल पर चेकबॉक्स की वैल्यू को शो कर देंगे। उसी तरह से मैं यहाँ पर क्या होता है जो चेकबॉक्स में हमको यहाँ पर बेसिकली अगर हमको रेडियो लेना है तो इनपुट टाइप में क्या करेंगे रेडियो करेंगे और क्लास जो होता है इनपुट टाइप चेक इनपुट होता है और उसी तरह से चेक इनपुट यहाँ भी डालेंगे तो ये बेसिकली हमारा रेडियो बटन बन के आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमको बेसिकली क्या करना है रेंज लेना है बेसिकली कस्टम रेंज लेना है बेसिकली सेलेक्टर लेना है तो कुछ इस तरह से हमारा सेलेक्टर बन के आएगा। तो ये बेसिकली हम पहले रन करते हैं क्या होता है ये इनपुट टाइप हो गया चेकबॉक्स हो गया बेसिकली और ये मेरा ऑप्शन बॉक्स हो गया और ये मेरा क्या हुआ डार्क और बेसिकली कई तरह से स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये कौन सा कोड है स्विच वाला बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये जो स्विच की तरह आ रहा है बेसिकली ये स्विच डार्क मोड ये वाला बेसिकली डार्क मोड यस और नो बेसिकली डार्क मोड यस नो बेसिकली इसके लिए क्या होता है इनपुट स्विच होता है फॉर्म स्विच होता है क्लास बना बनाया जिसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं चाहूँ तो इनपुट बेसिकली क्या कहते हैं ग्रुप में भी ले सकता हूँ जैसे मैं मुझे यहाँ पर एट द रेट लगाना है एट द रेट के जगह पर मुझे बटन्स डालने हैं जैसे इनपुट ग्रुप में यहाँ पर जो आ रहा है ये यूजर नेम के साथ में एट द रेट आ रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट कॉम। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपना कोई कस्टम कंट्रोल या बटन्स भी डाल सकता हूँ कैसे जैसे जब मुझे इसके अंदर बटन्स डालने हैं तो मैंने बटन्स के बेसिकली यहाँ पर एक क्लास में बना के रखा इस बटन्स को मैं क्या करता हूँ मुझे इसके साथ अगर कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा
इनपुट ग्रुप के अंदर इस स्पेन को हटाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बटन को डाल दूंगा। बटन को डालने के बाद जब मैं सेव करूँगा तो ये कुछ इस तरह से इसके साथ ये बटन्स लग के आ गए। अगर इस बटन्स को मुझे इसके इसके लास्ट में भी अगर लगाना हो तो इसके लास्ट में भी जो यहाँ इनपुट ग्रुप एग्जाम्पल डॉट कॉम जो लिखा हुआ है इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको लगा दूंगा, तो ये इस तरह से बटन्स भी मेरा इसमें लग के आ जाएगा। तो ये बेसिकली हम मल्टीपल बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंट्रोल को एक साथ यूज करके इनपुट ग्रुप के अंदर यूज करता है। अगर मुझे इसके अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है तो क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहीं पर डाल दूंगा। बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, दो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्म एक्स वाले को करता हूँ, यहाँ देखो इसके अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसके अंदर भी टाइप कर सकता हूँ, इसके अंदर देन हम यहाँ से सर्च पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इनपुट टाइप कंट्रोल होता है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर।